वन मोर टाइम जाएंगे तो अभी फिलहाल नंदिनी आगे बैठ के कंडक्टर बनी हुई है। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर मुझे है, पर हमने फर्स्ट सेल्फी पॉइंट यहाँ पे देखा था, वहाँ थोड़े रुके हैं। एक इसको बेसिकली नैनीताल व्यू पॉइंट कहते हैं मेरे ख्याल से, जब हमने नाम चेक करा था। बड़ी सेल्फी पॉइंट है एंड यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, आप पूरा व्यू यहाँ से। मेरे फोन से हाथ गिरने का भी मतलब खतरा है, हाथ से फोन गिरने का भी डर है। तो चलो मिलते हैं हम आप लोगों को, अब हम अगली डेस्टिनेशन पे देखते हैं। वेलकम टू फाइनली हम लोग जा रहे हैं लवर्स पॉइंट पे। दुनिया हमें प्यार से जीने नहीं देगी, ये पहाड़ों की गोद में जाने की क्यों देंगे, दुनिया जीने नहीं देगी। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि लाइक जहाँ टूरिस्ट होते हैं वहाँ ये हालत हो जाती है, भीड़ 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 पॉल्यूशन गंदगी। तो अगर आप किसी भी मतलब कोई जगह पे विजिट कर रहे हो ना, तो यार नीचे का थोड़ा ध्यान रखो, कूड़ा मत फेंको। अभी हम उतरे थे थोड़ी देर के लिए लवर्स पॉइंट पे एंड लिटरली वहाँ इतनी आंधी, ठंडी आंधी चल रही थी, धूप में ठंडी आंधी चल रही थी, लोगों ने आज तक गर्म हवा सुनी है, ठंडी आंधी ठंडी आंधी चल रही थी, मतलब इतनी कि ये भी उड़ सकती थी नंदिनी, इतनी गंदी। तो अब हम लोग लवर्स पॉइंट के बाद जा रहे हैं हिमालयन दर्शन करने की चोटी। यस, अगर हो सकेगा तो हो सकता है इस अभी अगर मौसम साफ हुआ ऊपर जाके तो हमें हिमालय देखने को मिल सकते हैं वहाँ से। हिमालयन हम आपको दिखाएंगे, तो हम पूरा ट्राई करेंगे आपको वो पूरा अच्छे से वहाँ का सीनिक व्यू दिखाएंगे। हिमालयन दर्शन के लिए एंड टेलीस्कोप से हम कौन कौन से पॉइंट देखेंगे? हनुमान टेम्पल, मुक्तेश्वर, पालन के रॉक क्लाइम्बिंग हिल और तिब्बतन मॉन्स्टर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरीश। गिरीश, तो अगर किसी को भी देखना हो फिर आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं, बिल्कुल नैनीताल के ऊपर टॉप पॉइंट तक। हम लोग बाइक कर आए हैं, पैदल भी आ सकते हैं। 4 किलोमीटर वॉकिंग है ये, 4 किलोमीटर का रास्ता है पूरा। तो लेट्स सी, और आपको हम आपको भी ये व्यू पॉइंट दिखाते हैं, फिलहाल के लिए आप ये व्यू एंजॉय करिए और हम अपना व्यू एंजॉय करेंगे। पहाड़ी के ऊपर देखिएगा टेंपल नजर आएगा रेड कलर, ये हनुमान जी का मंदिर। 7,500 फीट में आप लोग आ चुके हो, 8,500 फीट में जो पहाड़ दिखता ना, ये इसी पहाड़ी पे चढ़ना उतरना सिखाते आर्मी वाले। सामने देखिए पहाड़ी के टॉप में व्हाइट एंड रेड कलर का टेंपल नजर आएगा, महादेव का मंदिर है, 65 किलोमीटर दूरी है, इधर पर जा सकते हो। एक्सपी गार्डन, टी गार्डन, चोली का जाली दे दी। देखिए ना फ्लैग नजर आएंगे, क्या पूजा मंदिर का बहुत मॉनेस्ट्री है, हाँ बहुत मॉनेस्ट्री। A few moments later. तो unfortunately हम आप लोगों को हिमालय तो नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे पूरे में क्लाउड्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे में क्लाउड्स है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हिमालय देखने का जो प्रॉपर मंथ है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक है, अक्टूबर दिसंबर क्लियर हिमालय आपको यहाँ पे दिखेंगे उस टाइमिंग में, या फिर अर्ली मॉर्निंग आएंगे जब ये क्लाउड, अर्ली मॉर्निंग अगर हवा चल रही होगी एक दिन पहले तो शायद आपको हिमालय पॉइंट दिख सके। उसके अलावा ज़्यादा चार्जेस नहीं है, अगर आप 3 जने साथ में आ रहे हैं तो यू कैन पे 100 रुपीज एंड आपको 5 डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ से देख सकते हैं। फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और इसके बाद हम स्नो व्यू जाएंगे और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एडवेंचर पार्क भी है और ट्रॉलीज भी चलती हैं वहाँ। इन लोगों ने ट्रॉलीज नहीं देखी है, हम लाइक देख लो यार, नहीं देखी यार, कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ट्रॉलीज नहीं देखी है, ट्रॉलीज में नहीं बैठे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमें।
अभी हम वापस गाड़ी में जा रहे हैं, अभी हमें थोड़ी फोटोग्राफी करने रुके थे क्योंकि बहुत देर हो गई वीडियो बनाते रहते हैं, अपनी शक्ल ही नहीं लिया इस थोड़ी हद तक, तो चलो अब हम जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट पे। बहुत सारे ढाबाज हैं, एडवेंचर मतलब गेम्स वगैरह खेलनी है अगर बच्चों को तो वो भी खेल सकते हैं, जैसे बम्पर कार्स हो गई, ड्रिफ्ट कार ड्रिफ्ट ना ड्रिफ्ट, हाँ गो कार्टिंग एंड ड्रिफ्ट वगैरह। चलो अंकल से भी हाय करवाते हैं, अंकल हाय बोलो। हाय अंकल। तो अंकल अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं ट्रॉली व्यू पॉइंट देखने। ये देखो बहुत सारी एक्टिविटीज है, डिफरेंट डिफरेंट। ऊपर 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 चढ़ाया जा रहा है उसको धक्का मार मार के, प्राइजेस पता करते हैं। और यहाँ पे हो रही है गो कार्टिंग। अरे ये पूरा ओ यार ये हम कर सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है, सी मैं ऑन द सेफ साइड। मोटी चमड़ी को लगती भी नहीं है ठंड, मोटी चमड़ी नहीं, मैंने यहाँ पे कोट पहना है, मैंने समझदारी वाला काम किया सुबह, मैंने सोचा हम हिल स्टेशन जा रहे हैं तो हम लोगों को कोट पहनना चाहिए तो मैंने वो पहना। डिड यू लाइक इट? ये पूरा वन मोर टाइम। ये हमें ये हमारी गर्ल है और यहाँ पे कंसल्टिंग हो रही है। और आप देख सकते हैं कि वेव्स कितनी सुंदर लग रही हैं बहती हुई, एंड पानी की जो साउंड सुनाई दे रहा है, जो पीस है, जो हवा है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसी बर्फीली हवा चल रही थी। तो सारे मेन पॉइंट्स कवर करके अब हम यहाँ बैठे हैं तल्ली सेठी पे, और यहाँ पे बोटिंग होती है बेसिकली। तो आप लोग अगर नैनीताल आए हैं और आपने बोटिंग नहीं करी तो आई डोंट नो आप लोग क्या करेंगे। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो बोटिंग नहीं भी करनी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे शाम को यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग का टाइमिंग 9:30 से 6 बजे तक का होता है। एंड स्पेशल मेंशन ये है कि एक बोट में आप पर्टिकुलरली सिर्फ 3 बंदे अलाउड है बिकॉज कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग नैनीताल से निकल चुके हैं, दैट मीन्स दिस इज द एंड ऑफ आर ट्रिप। और बोटिंग हम करनी पड़े बिकॉज 6 बजे का टाइम था और टाइम थोड़ा लेट हो गए। सो ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था, तो वी वांट कि आप इसको अच्छे से खूब सारा प्यार दें, और आप भी जितनी भी हमने मोमेंट्स कैप्चर करी हैं आप उसको अच्छे से देखें, या फिर इनमें से अगर आपको कोई भी जगह पसंद आती है, आप लोग नहीं गए हैं तो उस जगह को विजिट करें, एंड प्लीज रेकमेंड करें कि क्या हमारी गलती थी एंड हम क्या और नई चीजें देखना चाहते हैं, कहाँ हम बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ग्रो करना चाहते हैं। योर ओपिनियंस मैटर द मोस्ट, तो सब कमेंट सेक्शन में भर दीजिए सारा। और भी आप जो सजेशन देना चाहे कि हम और कैसी वीडियोस बना सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज हमारे चैनल को स्प्रेड करो अच्छे से, जितना सब्सक्राइब करा सकते हो जल्दी जल्दी बढ़ा दो सब्सक्राइबर्स, ताकि हम भी थोड़ी और मेहनत कर सके अच्छे से। तो मैं खाना गिरा।